दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री सौरव कुमार गौड़ के नेतृत्व में एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के छात्रों से संबंधित समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रतिकुलपति हरिशरण सिंह को सौंपा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में चल रही BA LLB की कक्षाओं में विद्यार्थियों के पठन पाठन में हो रही अनियमितताओं को लेकर 6 सूत्री ज्ञापन एबीवीपी महानगर मंत्री सौरव गौड़ के नेतृत्व में प्रतिकुलपति हरिशरण को उनके कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एबीवीपी के महानगर मंत्री सौरव कुमार गौड़ और प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण सिंह ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञान शील एकता, ज्ञान शील एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसी गलत बात ना करो सर, फेंक दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये बात अलग है, प्रोसेस में लेट हो सकता है लेकिन इतना नहीं है, इतना हल्के में मत बोलिए। सौरव कुमार गौड़, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही शिक्षा एवं समाज क्षेत्र में निरंतर कार्य करते चली आ रही है। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर के महानगर कार्यकर्ताओं के द्वारा कुलपति को 6 बिंदुओं को विश्वविद्यालय में जो व्याप्त शैक्षिक समस्याएं हैं, जो व्याप्त परेशानियां हैं, उनको लेके कुलपति जी को ज्ञापन दिया गया। जो ज्ञापन जो है BA LLB के संदर्भ में था, जिसमें प्रमुख रूप से जो BA LLB के लिए जो कक्षाएं हैं, पिछले साल से ही BA LLB की कक्षाएं चल रही हैं लेकिन अभी तक कक्षाएं अलाट नहीं हुई हैं। BA LLB की फीस 40,000 है और उनकी कक्षाएं जो है मूट कोर्ट में चलाई जाती है, और मूट कोर्ट में जो है ला अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रैक्टिस होता है। पहला मांग ये था। दूसरा मांग ये था कि BA LLB में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, पुस्तकालय में उनके लिए वो किसी भी प्रकार की पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जो है दर्द की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है। तीसरा, यह विद्यार्थी BA LLB के विद्यार्थियों को के लिए अभी तक छात्रवृत्ति की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। विद्यार्थी जो है 38,000 फीस दे रहे हैं और हर साल उनको देना पड़ जा रहा है। स्कॉलरशिप का कोई व्यवस्था अभी तक न किया गया और ना ही स्कॉलरशिप के लिए अभी तक कोई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उस पर विचार किया गया। तीसरा, चौथा मुद्दा यह कि BA LLB के विद्यार्थियों को ना ही जो है कि छात्रावास की व्यवस्था है, ना ही छात्रवृत्ति की। जब विद्यार्थी 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर से दूर दराज के इलाकों से आता है और उसे यहाँ पे रूम रेंट लेके रहना पड़ता है, शाम को भोजन बनाता है, सुबह भोजन में जाता है और पढ़ने में असुविधा होती है, तो कहीं ना कहीं अगर जो है कि विद्यार्थी यहाँ पे विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके लिए हॉस्टल अलाट करना चाहिए। पाँचवा मुद्दा यह है कि BA LLB के विद्यार्थियों को ना वोट देने का अधिकार है विश्वविद्यालय में, ना ही छात्र चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक नागरिक को या एक विद्यार्थी को, एक युवा को, एक नौजवान को वोट देने का अधिकार इस समाज में जरूर प्राप्त होना चाहिए। और छठवां मुद्दा ये था कि आज भी जो है BA LLB के लिए शिक्षक ला डिपार्टमेंट में नहीं है, अगल बगल के डिपार्टमेंटों से बुला के वहाँ की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है, क्लासें चलाई जाती हैं। आज इसी संदर्भ में प्रतिकुलपति जी से बात हुई, प्रतिकुलपति जी ने आश्वासन दिया कि इन सभी बिंदुओं पे, इन सभी मुद्दों पे जो है कि गहन विचार होगा आदरणीय कुलपति जी के साथ, और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कठोर कदम उठाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, अभी कुछ छात्र AVP के आए थे, उन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया है जो विश्वविद्यालय से संबंधित ही है, लेकिन ये कि छात्रों के ज्ञापन को रख लिया गया है और प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन समय समय पर जो कुछ भी संभव हो सकेगा वो छात्र हित में करता रहेगा, आगे भी करेगा। और विश्वविद्यालय का काम ही है कि छात्रों के लिए पठन पाठन के एक अच्छा माहौल बनाना, एक अच्छी व्यवस्था देना, ये विश्वविद्यालय का प्रथम कार्य है, तो उसमें किसी प्रकार की हम नहीं समझते हैं कि अब किसी तरह की सुस्ती है या किसी तरह की कोई चीज़ छूट जाएगी। ठीक है।